यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा अब इस लेक्चर में हम एरर इन पावर्स की बात करेंगे। तो एरर इन पावर्स, तो आप इसमें देखिएगा, लेट एक क्वांटिटी को हम जेड से लिख लें और इसे हम लिख लेते हैं ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और मान लें नीचे सी की पावर टू आर। और हमसे बोला गया कि ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर पता है तो जेड में एरर बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले लॉग लो, मतलब जैसे अगर हम इसे डेराइव करना है, वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई करो वो आता है क्योंकि रिजल्ट उसी से निकल के सारे आते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग अगर ले तो तुम्हें पता है ये लॉग अगर आप आ जाइए तो क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल लॉग लेंगे बेटा, लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग ए की पावर पी, B की पावर q, C की पावर 2r, log z आ गया। अब आप इसे log में, तुम्हें याद है जो मल्टीप्लीकेशन में होती है वो सब पावर्स जुड़ती हैं, तो आप इसे ऐसे लिख लोगे log a की पावर p प्लस log b की पावर, ये b की पावर q, और बेटा ये जो अपॉन में log होता है वो माइनस में हो जाता है, माइनस log c की पावर 2r। क्लियर बेटा? तो लॉग लेने में जो मल्टीप्लीकेशन में होता है उसमें प्लस साइन आता है, जो डिवीजन में होता है वो माइनस हो जाता है। लॉग जेड इक्वल टू, तो पता है लॉग में ये जो पावर होती है इसे हम आगे ले सकते हैं, तो पी लॉग ए प्लस क्यू लॉग बी और माइनस टू आर लॉग सी आएगा बेस ई पर। ये सी है, बेस सबका नेचुरल लॉग है बेटा, सी है। इतना करने के बाद आपको इस इक्वेशन को, ये जो जेड है, जो अननोन है, जो निकालना है, जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू जेड बोथ साइड्स, दोनों तरफ जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखो क्या आ जाएगा, डी बाई डी जेड लॉग d by dz log z, p कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, d by dz log a आएगा। बेटा ध्यान रखना p कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ जाता है, प्लस q, प्लस q d by dz log b माइनस 2r d by dz log C, इतना है। तुम्हें याद है बेटा d by dz log z क्या आएगा, 1 upon z, क्योंकि तुम्हें याद होगा अच्छे से, देखो ये फॉर्मूला लगा रहा है d by dx log x equal to 1 upon x होता है, ये फॉर्मूला लगा रहा है। क्लियर बेटा? तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो, d by dx log x 1 upon x होता है, तो d by dz log z क्या हो जाएगा, 1 upon z। तो यहां देखें क्या हो जाएगा, 1 upon z is equal to, ये p आइएगा p। अब यहां देखो बेटा, ये d by dz है, ये log a है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, इसे d by da करना पड़ेगा, d by da log a और da by dz आएगा प्लस q। यहां पे देखो z है, b है, चेन रूल लगाना पड़ेगा, d by db log b और यहां db by sorry dz by db, dz by db आएगा, यहां गलत हो गया, नहीं सही तो है, यहां गलत है। तो आप देखिएगा इसे, सेकंड स्टेप देख लीजिएगा, एक सेकंड, तो आप ये स्टेप लीजिएगा, q कॉमन निकालिएगा और यहां लगाइएगा d by db log b log b और db by dz आ गया, और लास्ट में ये बचा बेटे माइनस टू आर d by dc log C, DC by DZ, ये आता है। हम लोगों ने चेन रूल लगाया है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, बार बार इसे इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब आइएगा देयरफॉर क्या आता है, ये 1 अपॉन Z ही रहेगा। देखो बेटा D by DA log A क्या होता है, 1 अपॉन A, ये P इधर रखो, ये आएगा, देखो बेटा ये D by DA log A 1 अपॉन A DA by DZ, ये Q आएगा, d by db log b क्या हो जाएगा, 1 upon b db by dz, ये dz है, minus 2r
वन अपॉन सी हो जाएगा और यहां पर डी सी बाई डी जेड आ जाएगा, राइट, डी सी बाई डी जेड आएगा, इतना लिख लो। यहां पर देखिए बेटा अब क्या आ जाता है, तो इस जगह अगर हम लिखें तो वन अपॉन जेड इज इक्वल टू पी बाई ए, इतना आया। गौर से देखिएगा, अब आप डी ए को आप डेल्टा ए लिख लो और डी जेड को डेल्टा जेड लिख लो, प्लस क्यू बाई बी डेल्टा बी और माइनस टू आर बाई सी डेल्टा सी बाई डेल्टा जेड, आप ऐसे लिख सकते। तो गौर से देखिए डेल्टा जेड डेल्टा जेड डेल्टा जेड तीनों टर्म में राइट में आया, तो इसे डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाइंग बाई डेल्टा जेड बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, आप देखिएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, देखो बेटा ये आएगा पी, डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई किया तो ये गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन, ये ए यहां लिख दो, प्लस क्यू, डेल्टा जेड से जब मल्टीप्लाई किया तो गायब होगा, ये आएगा डेल्टा बी अपॉन बी माइनस टू आर, ये आ जाएगा बेटा डेल्टा सी अपॉन सी आ जाएगा ये, राइट। तो मैथमेटिकली ये चीजें इतनी निकल के आ रही, लेकिन ये फाइनल फार्मूला भी है नहीं क्योंकि यहां माइनस टू आर आ रहा है। तुम्हें याद है बेटा कि वास्तव में जो एरर एनालिसिस होता है उसमें सारी एरर ऐड होती हैं, तो इसमें ये एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ये रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर होगा, दैट इज द सम ऑफ ऑल दीज एरर्स होगा, इसलिए फाइनल रिजल्ट में इस माइनस को क्या कर लिया जाता है, प्लस कर लिया जाता है। तो देयरफॉर मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव एरर इन जेड, अब वो आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, देखो क्या आता है, पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस टू आर आएगा, प्लस टू आर डेल्टा सी अपॉन सी आएगा, ये वैल्यू आएगा। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसे डायरेक्ट करके भी देखो बेटा, इस वाले से अगर गौर से देखो, अगर ये दिया है इसको यहां पे लाना है तो देखो हमने क्या किया, देखो जेड की जगह बेटा डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहां पे पी को बायनोमियल से आगे ले आइए या पी को आप आगे ले आइए, पी डेल्टा ए अपॉन ए, देखो पी आगे आ गया डेल्टा ए अपॉन ए, क्यू आगे आ गया डेल्टा बी अपॉन बी, ये ऊपर जाके माइनस टू आर होता लेकिन माइनस आगे आके प्लस होगा तो ये हो जाएगा टू आर डेल्टा सी अपॉन सी। तो आप यहां से डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, जब आपको ये करना पड़ा तो ये न्यूमेरिकल करते वक्त आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाउ वी आर एक्चुअली डेराइविंग इट, तो ये डेरिवेशन के लिए है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लगाइए डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू पी, आगे लाइए डेल्टा ए अपॉन ए, क्यू आगे लाइए डेल्टा बी अपॉन बी और टू आर आगे ले आइए और डेल्टा सी अपॉन सी आएगा। ये पावर्स में एरर निकालने का तरीका होता है, ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। एरर एनालिसिस के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं, न्यूमेरिकल से लेके धीरे धीरे बेटर न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज रिटन हियर, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन व्हाट विल बी द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया। तो रेडियस किसका दिया है, स्फेयर का, तो पहले बताइएगा एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका तो ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। गिवन क्या है, गिवन देखिएगा परसेंटेज एरर इन रेडियस दिया, आप जानते हैं परसेंटेज एरर को हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 200, दिस इज इक्वल टू 2%। एरर में ये फार्मूला बनाना आपको आता होगा कि ए को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए, बायनोमियल के तरीके से आगे आ जाता था 2 डेल्टा आर अपॉन आर, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो अगर आप 2 इंटू इस पूरे टर्म की जगह पे 2 कर दीजिएगा तो ये 4% आ जाएगा। ऐसे सवाल आप ओरल भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखिए ए में एरर क्या होगा, इस पावर को आगे ले आइए और आर में एरर कितना है 2, तो ये अगर आगे ले आइए तो 2 हो गया और R में एरर क्या है 2, 2 इंटू 2 4% ओरल करके आप निकला करिए एग्जाम में, अदरवाइज अभी आप ये कर लीजिए लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, एनालिसिस का एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, जरा ध्यान से पढ़िए न्यूमेरिकल का। द वोल्टेज अक्रॉस अ लैंप इज 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड द करंट
flowing in it is 4.0 plus minus 0.2 ampere. Find the power consumed with the maximum permissible error. V दिया है, I दिया है, power निकालना है. आप आइएगा बेटा. देखो voltage is how much? V equal to 6.0 plus minus 0.1. तो पता है जब किसी डेटा को ऐसे लिखा जाता है तो उसमें ये वैल्यू वोल्टेज की होती है, ये वैल्यू एरर इन वोल्टेज होती है. तो यहां पर V is 6 एंड डेल्टा V is 0.1 एंड I is equal to 4.0 plus minus 0.2. तो वही तरीका यहां अपनाएंगे. चार क्या है बेटा, दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ I एंड दिस इज व्हाट एरर इन I, ये डेल्टा I आ गया. अब आपको डेल्टा V डेल्टा I पता चल गए तो फिर अब आइएगा. देखिए हमें निकालना था पावर कंज्यूम. P इक्वल टू आपको पता है VI होता है. अब आपको अच्छे से याद होगा जब मल्टीप्लीकेशन किया जाता है तो एरर कैसे निकालते हैं. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P. इसके ऊपर एक पावर है तो डेल्टा V अपॉन V प्लस I इक्वल टू डेल्टा I अपॉन I. आई होप सबको याद होगा लिखना. यहाँ बीच में प्लस का साइन रहेगा. यहां पर डेल्टा पी आप अगर निकाल लें तो यह आ जाएगा पी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई. देखो डेल्टा वी और वी पता है हमें, डेल्टा आई और आई पता है हमें, पी हमें निकालना पड़ेगा. पी के लिए यहां पर साइड वर्क कर लीजिएगा बेटा. पी इक्वल टू वी आई होता है. वी इज 6 हियर, आई इज 4, तो दैट इज इक्वल टू 6.0 इंटू 4.0, तो 24.0. ये 24.0 पी आ गया. अब आप इसे और निकाल लें डेल्टा पी. पी है 24, डेल्टा वी इज बेटा देखिए 0.1 अपॉन वी इज 6.0 प्लस डेल्टा आई इज 0.2 अपॉन 4.0. सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप ये डेसिमल हटाएं, इसे भी हटा लें, तो ये कितना आता है जरा देखें. डेल्टा पी इक्वल टू 24 इंटू यहां पर बेटा आ जाएगा 1/60 और प्लस यहां 2 से अगर इसे कैंसिल कर दें 20 आ जाएगा 1/20. 60 एलसीएम ले लीजिएगा 24, 60 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस 20 है बेटा, 3 टाइम चला जाएगा, तो 24 इंटू 4/60 आया. 4 को इससे कैंसिल कर 15 आएगा, 15 को इसमें ले जाइए 24 में, कितना आ जाएगा 15 वन जा बेटा 15, 9 बचा 90, तो डेल्टा पी बेटे आ गया 1.6 ये आ गया. तो देखिए पी इज 24 एंड डेल्टा पी इज दिस. पूछा क्या, फाइंड द पावर कंज्यूम, तो पावर कंज्यूम तो ये आ गया विद मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो गया. देयरफॉर बताइएगा पी विद मैक्सिमम परमिसिबल एरर आप इसे कैसे लिखेंगे बेटा. पी प्लस माइनस डेल्टा पी यानी 24.0 प्लस माइनस 1.6. पावर का यूनिट वॉट होता है, डब्ल्यू लिख दीजिए वॉट आएगा बेटा. इसे नोट कर लें, समझ लें. और बेटा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसे लाइक कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए. थैंक यू. कर लेते हैं एरर एनालिसिस का. यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से. अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय पी इक्वल टू ए स्क्वायर रूट बी अपॉन सी एंड द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी आर. मतलब ए में परसेंटेज 1% है, बी में 2% है और सी में 4% है रेस्पेक्टिवली. फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी, तो पी में एरर बताना है. ऐसे क्वेश्चन आपने अच्छे से किया हुआ होगा. ध्यान रखिए ए स्क्वायर रूट बी होता है अपॉन सी. इस पे आप ऐसा करिए सभी क्वांटिटीज ऊपर ले जाइए, तो इसे लिख दोगे बेटा ए स्क्वायर, ये बी रूट है बेटा इसका, तो बी की पावर हाफ, सी ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा. क्लियर बेटा. अब इसमें हम याद है तुम्हें कि हम इसको इसमें फ्रैक्शन एरर कैसे निकालते हैं. पी को हम लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन पी, इसमें ये पावर आगे आ जाती है 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस ये पावर आगे आ जाएगी हाफ डेल्टा बी अपॉन बी. और तुम्हें याद होगा कि अगर ये माइनस में है तो भी ये पावर आगे आके प्लस में आ जाएगी प्लस 1 डेल्टा सी अपॉन सी. अब इन्होंने क्योंकि परसेंटेज एरर दे रखा है ए में, तो ए में तुम्हें पता परसेंटेज एरर को लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100. तो वैसे तो जब कंडीशन में करें बस आप यहीं पर ये लिखते चले और निकल जाए करके, लेकिन हम यहां पर ये मान के कर रहे हैं कि आप पूरे प्रेजेंटेशन से दे रहे हैं तो ऐसे आए. आप क्या करें इधर 100 से मल्टीप्लाई करें, यहां 100 से, यहां भी 100 से, यहां भी 100 से. और अब आपको याद होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 को परसेंटेज एरर इन ए कहते हैं और वो कितना है 1%. तो ये लिखिएगा 2 इंटू 1 प्लस हाफ
बी डेल्टा बी, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 होता है परसेंटेज एरर इन बी विच इज 2% प्लस सी, सी में परसेंटेज एरर दे रखा है 4%। आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 और 1 3 और 4 7 7% बेटा आया आंसर। तो 7% का परसेंटेज एरर आएगा किसमें, पी में, जो फिजिकल क्वांटिटी पी है उसमें परसेंटेज एरर 7% होगा। दिस इज द आंसर, ये आंसर। इस लेक्चर में ये इतने न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिए, अगले लेक्चर में और न्यूमेरिकल लेते हैं और लेवल को धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंड के साथ भी चैनल को शेयर करिए, थोड़े व्यूज बढ़ाइए बेटा और लाइक दे दिया करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।